सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है वीवो का, और ये है वीवो का Y20 मॉडल, और इसके अंदर अभी लगा है पैटर्न पासवर्ड लॉक। तो यहाँ पे पैटर्न पासवर्ड कस्टमर ने तो हार्ड डिस्क करके हटा लिया, बट FRP नहीं हटा पाए, और FRP हम बाईपास करेंगे। लेकिन FRP बाईपास का ये जो तरीका बताने वाला हूँ ये एकदम लेटेस्ट है, और मैंने ऑलरेडी वीवो Y20 पे 3-4 वीडियो बना रखी है, और ये सबसे डिफरेंट है क्योंकि अभी ये लेटेस्ट में आपको पूरी तरीका ही काम नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें पैटर्न लॉक मांग रहा है, और पैटर्न नहीं पता है तो सबसे पहले इसको क्या करना है, वाईफाई से कनेक्ट करना है, और वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आपको अलाउ का ऑप्शन देना पड़ता है माइक पे क्लिक करने के बाद। तो अलाउ का मेरे में तो आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो आप लोग को क्या करना है, वन बाई वन हार्ड रिसेट कर लेना है फिर से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले स्विच ऑफ करेंगे फोन को, उसके बाद आपको हार्ड रिसेट करने के लिए बताएंगे कैसे इसको हार्ड रिसेट करना है। तो यहाँ पे कस्टमर हार्ड रिसेट करके पहले ही छेड़ चुके हैं, इसलिए अलाउ का ऑप्शन कई बार आपके में नहीं आया होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझिए कि कस्टमर ने छेड़ा है। तो आपको क्या करना है, हार्ड रिसेट करने के लिए पावर बटन और वैल्यूम अप बटन दोनों को दबाना है, और नीचे रिकवरी पे वैल्यूम डाउन से आके और आपको एक बार पावर बटन क्लिक कर देना। अभी थोड़ी देर बाद रिकवरी मोड खुलेगा, और रिकवरी मोड में आने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट पे क्लिक कर देना है। मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं कि इसमें जो तरीका है जो मैंने आपको बताया है वो आपका बिल्कुल ही डिफरेंट है, और मैं इसलिए ऐसा बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें YouTube पे जब जाके हम क्रोम ब्राउज़र में ट्रांसफ़र होते हैं और वहाँ से हम इसका FRP बाईपास करते हैं, बट दिक्कत ये है कि इसमें क्रोम ब्राउज़र में हम जा ही नहीं पा रहे हैं, तो हम इसका FRP बाईपास करेंगे कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है। तो अब आपको करना क्या होगा ये तो आपको वीडियो पूरा देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे हालांकि मैं नीचे कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में और आपको यहाँ पे इन स्क्रीन पे दे दूँ जिसमें आपको बाकी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। अगर आप में ये मेथड काम ना करे तो आप लोग वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हर फ़ोन का अलग अलग मेथड रहता है, आपको भी पता है। बट यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस फ़ोन के अंदर जो मेथड काम करने वाला है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसको हम अभी कंप्यूटर से अनलॉक करेंगे क्योंकि हाथ से होगा नहीं, और आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा क्यों नहीं होगा हाथ से अनलॉक। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है क्योंकि मैंने वीवो की हर मॉडल पे वीडियो बना दी, क्योंकि वीवो Y20, Y20i, Y20g सबका अलग अलग हेलो स्क्रीन होता है, और हेलो स्क्रीन ये देखिए इसको हेलो स्क्रीन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हमने किया है ताकि आपका समय कम लगे, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि जब फोन को हार्ड रिसेट करते हैं तो समय ज़्यादा लगता है खुलने में, और यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट करना है ये सब चीज़ें आपको पता ही होती हैं, इसलिए हम उसको ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बना के शॉर्ट में ही दिखा देते हैं। यहाँ ऊपर में आपको देख सकते हैं दिख रहा होगा लॉक का सिंबल, यानी कि इसमें हार्ड रिसेट करने के बाद तो यहाँ FRP इसमें है। यहाँ पे देखिए हम माइक पे 3 बार क्लिक किए तो अलाउ का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैं अलग से वॉइस ओवरिंग कर रहा हूँ, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो मैं चीज़ ट्राई कर रहा हूँ उसको आप लोग जैसे जैसे जहाँ जहाँ क्लिक कर रहा हूँ उसको करते जाइए, आपको ये मत सोचना है कि मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा करिए, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ इस एक वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए मैं यूट्यूब सर्च कर रहा हूँ, यूट्यूब तो आ गया, यहाँ तक का हमारा प्रोसेस ठीक है। यहाँ पे हम नोटिफिकेशन में जाते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे एडिशनल जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए अबाउट आएगा, अब जब हम अबाउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ अबाउट में क्लिक करने के बाद से यहाँ पे पूरा यूट्यूब पे अबाउट आना चाहिए, टर्म्स एंड सर्विस वगैरह यहाँ पे लिखना चाहिए, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं आ रहा है, और इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये मेथड यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। मैंने बहुत बार ट्राई किया, यहाँ तक कि इसको सेटिंग में जाके इसको हार्ड रिसेट किया, सेटिंग रीच किया, सब कुछ करके मैंने ट्राई कर लिया, बट इसमें हाथ से होने का FRP बाईपास होने का अभी कोई मेथड काम नहीं करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी हाथ से अनलॉक करने का एक ही मेथड होता है, वो है यूट्यूब पे जाना। हाँ, यूट्यूब पे जाने का तरीका अलग होता है, कई लोग टॉल बैक से जाते हैं, वैल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के टॉल बैक में घुस जाते हैं, और वहाँ से चले जाते हैं एल बना के, उल्टा एल बना के वहाँ से गूगल असिस्टेंट, फिर यूट्यूब, ये सब बोल के अंदर यूट्यूब में जाके इसको FRP में पास कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा यूट्यूब पे तो हम चले ही जा रहे हैं, बट यूट्यूब पे जाने के बाद से हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है, क्रोम ब्राउज़र में नहीं जा पा रहे हैं, और क्रोम ब्राउज़र को भी अगर हम लाने की कोशिश करें तो वहाँ से भी हमारा फ़ोन नहीं हो रहा है हम लोग। तो ऐसे में अब आपको कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे पीछे से फ़ोन को पूरा खोल के यहाँ देखिए कैमरे के पास छोटा छोटा दो EDL पॉइंट दिखेगा, चूँकि क्वालकॉम CPU वाला फ़ोन है जिसमें EDL पॉइंट रहता है, तो यहाँ पे EDL पॉइंट को शॉर्ट करके हमें इसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास एक टूल होना चाहिए, UMT टूल, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी शॉप पे चले जाइए, या फिर अगर आप शॉप वाले हैं तो आपको तो ये रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए इसका EDL पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा, कैमरे के बाजू में 2 पॉइंट है कि इसका EDL पॉइंट, आपको नहीं पता तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए वीवो Y20 EDL पॉइंट, आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे EDL पॉइंट हमने देख लिया, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये क्वालकॉम का एक सेटअप अलग से आता है, इसमें वीवो Y20 का मॉडल खोज लेंगे हम, और एक बार यहाँ से अनलॉक करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं, और नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें अनलॉक करके ही दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस FRP पे एक टिक मार्क लगा के एग्जीक्यूट कर देना है, एंड आपको चिमटा लगा के, और आपको यहाँ पे इसको फोन को स्विच ऑफ करके और चिमटे की मदद से 2 EDL पॉइंट जो बताया था उसको शॉर्ट करना है, और उसके बाद से यहाँ पे केबल लगा देना है तुरंत।
तो यहाँ पे मैं चिमटे की मदद से शॉर्ट करके केबल लगा के देखता हूँ कि हमारा फ़ोन क्या होता है, अनलॉक होता है कि नहीं होता है। तो पहले तो कनेक्ट होना है, तो ये देखिए कनेक्ट हो गया क्वालकॉम का, यहाँ पे पोर्ट बना लिया। पोर्ट बनाने के बाद से अब देखिए यहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है। अब ये मैं हालांकि डायरेक्टली भी मैंने बताया था वीडियो में वीवो वाई ट्वेंटी का, बट मेरा बताने का मकसद ये था कि मैं जो जानकारी देना चाहता हूँ कि मतलब आपको YouTube पे कोई भी वर्क नहीं कर रहा है और ये चीज़ अगर आपके सामने आए तो आप क्या करोगे, परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आजकल ज़्यादातर वीवो के कई सिक्योरिटी के फ़ोन आते हैं, कई 2021 के, कई कस्टमर ऐसे हैं जो उसको अपडेट नहीं करते, 2020 के सिक्योरिटी रहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पुराने कुछ सिक्योरिटी रहते हैं। तो वैसे में अब होता क्या है कि लोग सिक्योरिटी देख के अब सोचते हैं कि किसी, अब ये तो हमें नहीं पता है कौन सी सिक्योरिटी है और किस में कौन सा मेथड वर्क करेगा, इसलिए थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे इसलिए हमने ये अभी तक का मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस है इस फ़ोन का कि जिसमें ये वर्क ही नहीं कर रहा है, यूट्यूब के बाद आपका आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो मैंने सारा मेथड जब ट्राई कर लिया तब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे फ़ोन को खोलना ही पड़ेगा। अभी वो वाई ट्वेंटी में आपको पता है पैनल पहले उखाड़ो, फिर नट खोलो, फिर उसका बीच का मिडिल खोलो, उसके बाद से तब जाके उसका फ़ोन खुलता है। तो थोड़ा लंबा चौड़ा होता है इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो अभी फ़िलहाल एक और चीज़ है कि नया लेटेस्ट सिक्योरिटी वाला फ़ोन तो है बट यहाँ पे नया फ़ोन नहीं है, क्योंकि नया पैच के साथ आता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा बिना खोले साइड लोडर से भी FRP वगैरह बाईपास हो सकता था, बट यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा फंक्शन। और यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं ये इनक्रिप्टेड दिखा रहा है और रीडिंग पार्टीशन यहाँ से हमारा डन हो जाएगा, मतलब हो गया, पहले वाला मेथड वर्क नहीं किया बट यहाँ से हमारा मेथड वर्क होगा ज़रूर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रीडिंग पार्टीशन टेबल ओके, रीडिंग डिवाइस इन्फॉर्मेशन सब कुछ ओके दिखा रहा है, बट यहाँ पे कहीं FRP वगैरह डन दिखाने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे इसका FRP यहाँ से बाईपास करेंगे, यहाँ वीवो सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, वीवो Y20 सेलेक्ट करना है, Y12S भी दिखाना है बट Y20 है, Y20 सेलेक्ट कर लेना है। एंड Y20 सेलेक्ट करने के बाद से आपको क्या करना है, वीवो FS एंड FRP पे आपको क्लिक करना है। वीवो FS FRP से ही अनलॉक होगा, यहाँ पे यस कर लेना है। और यस करने के बाद से यहाँ पे एक देखिए, एक पहले क्या था कि यहाँ पे ऑटोमेटिक पे ऑन टिक करके, और यहाँ पे हमने पहले फ्लैश फाइल देना पड़ता था, इसकी एक फाइल देनी पड़ती थी बस। तो यहाँ पे अब PD फाइल पहले से लोड हो चुकी है तो आपको फाइल देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको डायरेक्टली बस यहाँ से कुछ नहीं करना है, कोई फाइल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप अनलॉक कर लोगे फिर FRP पे क्लिक करके। अब जैसे ही ये फ़ोन फिर से बोलेगा यहाँ पे कंप्यूटर की आप केबल लगाने के लिए, तो देखिए मैंने फिर से फ़ोन को स्विच ऑफ किया, केबल बैटरी का निकाल के फिर लगाया और फिर यहाँ पे EDL पॉइंट शॉर्ट करके केबल लगा दिया हमने। तो यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है वो अभी प्रोसेसिंग यहाँ पे चालू हो चुकी है और अब हमारा जो फ़ोन है ये 100% अनलॉक होगा आपके सामने और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मेथड पहले थोड़ा सा जब नया नया सिक्योरिटी वीवो का आया था तो थोड़ा दिक्कत आ रही थी, कई फ़ोन ऐसे थे जो कि डेड कंडीशन में तो नहीं जा रहे थे बट हैंग ऑन लोगों पे आ जा रहे थे। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों में ऐसा कभी एक ही बार प्रॉब्लम आता है तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आ भी जाता है तो उसका भी सलूशन है, आप उसको फ्लैश करके ठीक कर सकते हैं, क्वालकॉम से फ्लैश करना तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेटिंग डन, FRP रीसेटिंग डन, सब कुछ डन हो गया है। और यहाँ पे फ़ोन बकायदा लिख रहा है वाइप कैज वैली फ्रेमवेयर रिकवर टू रिबूट 2 to 5 मिनट, मतलब यहाँ पे 2 to 5 मिनट तक लग सकता है फ़ोन खुलने में अगर आपका फ़ोन FRP बाईपास वगैरह यहाँ पे से हो गया है। तो यहाँ पे हमने फ़ोन को पावर ऑन कर लिया है और अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो हमारा जो फ़ोन है ये खुलेगा। तो यहाँ पे हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया बट यहाँ पे क्या है कि फॉर्मेटिंग हुआ है तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। तो जब तक आप लोगों को वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी अच्छी टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो लाते हैं ताकि आपको हर चीज़ सीखने को मिले और आप किसी भी चीज़ से मतलब हर चीज़ से रूबरू होते रहें। तो इसलिए ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। तो आप लोगों को बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है ये अभी थोड़ा सा समय लग रहा है खुलने में, जब तक ये फ़ोन खुल रहा है तब तक जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो पे हमारा कोई एम नहीं है कि हम इतना लाइक चाहिए, बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा। आप लोगों को अगर लगता है कि सीखने को मिला है तो लाइक दबा दिया करिए, अगर नहीं लगता है कि कुछ नहीं है हमारे काम का नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल था, कुछ तो नया सीखे हैं आप इस चीज़ से, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। क्योंकि देखिए हम भी एक छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर नहीं बोलेंगे शॉप वाले हैं, और हम जितने भी चैनल हैं उस पर हम जब भी हमको लगता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा मुझे जानकारी दिया इसने तो हम उन्हें सब्सक्राइब करके रखते ही हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो
हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन हमारा ओपन हो चुका है, फटाफट से इसको नेक्स्ट स्किप करके और फटाफट से इसको चालू कर लेना है। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से हमने इसका FRP है जो बाईपास कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे फाइनली आपका देख सकते हैं ये फ़ोन का हमने सारा सेटअप कंप्लीट कर लिया है। बस आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, स्किप नेक्स्ट करके आगे बढ़ते जाना है और आपका जो फ़ोन है वो पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे FRP जो पहले दे रहे थे आप, वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया है और यहाँ पे नेक्स्ट की आपको FRP बाईपास हो गया। तो बस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो फ्रेंड। We'll be right back.